डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देख रहे हैं अलकम एजुकेशन चैनल, यू आर वाचिंग अलकम एजुकेशन चैनल। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जी क्वेश्चन नंबर 3.18 दिया हुआ, देख लें अच्छी तरह से। बहुत आसान है, लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूमिंग द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज टू। अच्छा, उसने मीन दे दिया अब आपको, ठीक है। साथ साथ आपको बताते हैं कि कैसे दिया हुआ है। ये मीन अगर उसने दिया, इसका मतलब ये आपका मीन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि देखिए, एक्स की वैल्यूज उसने दी हुई आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5। एफ उसने 40 दिया, और जबकि हमारे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिसिंग हुई है, वो हमने फाइंड करनी है 50, 30, 20, 10। आपसे वो कह रहा है कि आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर बताते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 3.18 का, ठीक है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, और एफ मेरे पास यहाँ पर क्या है 40, दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं है आपके पास 50 और 20, सॉरी 30, 20 और 10। अच्छा, देखिए हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, अब हमने कोई ना कोई तो वैल्यू फाइंड करनी है। और आपने अक्सर अगर किया और मैट्रिक या मैथ, हमें जब किसी वैल्यू का पता ना होता, हम उसे अज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है, ए है, और इस ए को आपने फाइंड करना है। सेम वैसे ही है जैसे तरीके से हम करते हैं। देखिए यहाँ पर एफ एक्स है, अब मैंने क्या करना है, एफ एक्स निकालूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर आपका ए ही आएगा। 50 को आप करेंगे तो 100, 90, 80 और 50, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने क्या किया है, फर्स्ट किया है, क्योंकि हम कोई वेरिएबल डालेंगे, उस वेरिएबल को जब हम वर्किंग करेंगे तो कोई आंसर तो आएगा ना, फिर हम बताएंगे कि इसकी फिजिकल फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया। आप सिंपल जैसे आप टोटल करते हैं, ये लीजिए मैंने इसका टोटल किया, टोटल करने मेरे पास आया है 150। अब आप कहेंगे कि ए कैसे जाएगा, क्योंकि ए हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे 150 + a। इसी तरह आपने इसका भी टोटल करना है, इसका टोटल किया तो मेरे पास आ गया, बड़ा आसान है, 320। अब यहाँ पर भी ए है, ए हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसके साथ इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, डायरेक्ट मेथड पता चल रहा है, क्योंकि एक्स और एफ है, फार्मूला लिखा, ठीक है। अब जरा आ जाए, मैंने आपको बताया था कि इसमें मीन उसने हमें बताया हुआ है। ये देखें यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि ये देखें, ये अज्यूमिंग द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एस टू, यानी मीन कौन सा है, ये एक्स बार उसने हमें बता दिया वो कितने हैं, वो 2 है, ठीक है। और समेशन एफ आपके पास क्या आया है, ये लिखा हुआ है 320 + a, और f का टोटल आपके पास क्या है, ये 150 + a, क्लियर हो गया। आप देखें सवाल, देखें ये जैसे मैंने अभी आपको करवाया ना पीछे सवाल, तकरीबन वैसे ही है, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 + a, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर ये बचेगा ऊपर वाला, इसको मैंने खोला, 150 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 300 आ गया, और 2 को आपने ए से किया तो 2a आ गया, बड़ा सिंपल। अब ए वाली रकम एक साइड पे कर लें और सिंपल कॉन्स्टेंट वैल्यूज एक साइड पे कर लें। देखिए मेरे पास यहाँ पर 2a है, ये वाला a इधर आ जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। ये 320 यहाँ पर पहले से मौजूद है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 300 का, ठीक है। 2a में से a निकाला तो a आ गया, 320 में से 300 निकाले तो 20 आ गया। इधर जी सिंपल था, इसका मतलब है कि आपकी मिसिंग फ्रिक्वेंसी इज 20। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। देखें कैसे मैंने आपको इसी तरीके से समझा दिया है, फिर भी समझ नहीं आती तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने हमें कमेंट्स करना है, हमारे ईमेल आईडी पे भी भेजें कि हमें समझ नहीं आ रही, आप दोबारा समझाएं तो आपको दोबारा समझा देंगे, ठीक है। अच्छा, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। आपको दरअसल जो ये है ना, कौन सा टॉपिक मीन का ही ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद आपका मीडियन का बोर्ड का वो छोटा सा है, आपका जो स्टैट का सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इसके बाद आपका इंडेक्स नंबर का चैप्टर है, ठीक है, और एक आपका क्या नाम है वो ग्राफ वाला, प्रोबेबिलिटी वाला, वो हमको लास्ट में करा देंगे, वो भी सारा नहीं करना, मेन में करना है। देखिए अगर आप 3 चैप्टर कर जाते हैं तो पेपर आपका अच्छा खासा अटैम्प्ट हो जाता है। ये अब आपको ये वाला सवाल करवाते हैं हम। हाँ जी, सवाल हमारे पास ये वाला है, इसके नीचे इसका 3.19 का, बहुत सिंपल सवाल आया भी हुआ है। अ मैन परचेज 120 शेयर्स ऑफ अ फर्म, ठीक है, एक आदमी है उसका फर्म का, उसने 120 शेयर्स खरीदे हैं और फीस कितनी है 20 की, ठीक है। उसके बाद ही परचेज 80 शेयर्स, फिर उसने 80 शेयर्स भी खरीदे हैं ऑफ अदर फर्म्स के, लेकिन दूसरी फर्म से खरीदे हैं, वो उसने कितने के लिए 25 के। फाइंड एवरेज प्राइस ऑफ जो है शेयर, बहुत ही सिंपल है। बास का क्या करते हैं, वो ए बी पार्ट के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि आपका एक पार्ट जो है वो 4 नंबर का होता है। तो करते हैं शुरू इसको, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, और आपको ईजी जो है समझ भी आ जाएगा कि करना कैसे है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है 3.19।
ये जी 3.19 है, ये हल्का सा है मार्क है। क्या करना है, सबसे पहले हम लिखना है पर शेयर प्राइस, ठीक है। पर शेयर प्राइस आपकी जो पहले उसने लिया वो क्या है 20 रुपीज़ का है, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स आप पे कितने हैं वो उसने लिए हैं 120, ठीक है। उसके बाद उसने दूसरे फर्म से ख़रीदे हैं, वो कितने से शेयर लिए उसने 80 के लिए, और वो कितने प्राइस के थे वो है 25 के। अब ये थोड़ा सा सवाल तकरीबन वैसे ही है, लेकिन वो क्या होता है कि इसमें वेट आ जाता है, यानी आप इतनी प्राइस में कितने शेयर्स लोगे। तो ये वाला जो आपका है, ये जो आपकी प्राइस है इसको हम एक्स कंसीडर करेंगे, और जो आपके नंबर्स ऑफ शेयर्स है इसको हम क्या करेंगे डब्ल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब आपको बताते हैं इसको हम क्या कहते हैं, असल में एवरेज प्राइस निकालनी है। एवरेज प्राइस निकालने का, प्राइस पर शेयर की निकालनी हो तो उसके लिए हम जो है वेटेड एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और वो फार्मूला आपका क्या है ये देखिए सिंपल है, इसके नीचे छोटा सा डब्ल्यू लिखते हैं। इस डब्ल्यू का मतलब होता है वेटेड, यानी एक आदमी कह रहा है कि मुझे इतने प्राइस में शेयर्स चाहिए, यानी इसका कितना वेट है, मतलब मकदार कितनी होगी, यहाँ पर से मुराद है कि मकदार कितनी होगी। फार्मूला इसका है देखिए समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, ये फार्मूला, ठीक है। इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे उसको आपने वेटेड एवरेज से करना है, जब आप लोगों ने क्या फाइंड करना हो एवरेज प्राइस निकालनी हो, ठीक है। अब आपने क्या करना, सिंपल सा हमें पता है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने भी इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई किया 120 को 20 से तो मेरे पास 2400 आ गया, 80 को आपने मल्टीप्लाई किया जो है 2500 तो मेरे पास क्या आ गया है 2000, ठीक है। अब मुझे करना है, मुझे टोटल किस किस का चाहिए, मुझे टोटल इसका चाहिए और मुझे टोटल इसका चाहिए, जो आपको एक्स है इसका मुझे टोटल ही चाहिए, क्योंकि आपको देखिए फार्मूले में क्या रिक्वायर्ड है डब्ल्यू एक्स का और डब्ल्यू रिक्वायर्ड है। ये जी मैंने इसका टोटल किया तो मेरे पास आया 200, मैंने इसका टोटल किया तो मेरे पास आया 4400। सिंपल क्या करना है, आपने इसको इसमें पुट करना है, ये देखिए छोटा सा डब्ल्यू बनता है इसमें डिवाइडेड बाय 200, ये जी आपके पास एवरेज प्राइस आई है 22 रुपये, यानी एवरेज प्राइस पर की बनती है 22 रुपये, अगर हम निकालेंगे इस हिसाब से उसने लेनी हो, ठीक है। कोई भी एवरेज निकालना तो आप क्या करते हैं मेन में आप उसको प्लस करते हैं, ठीक है। ये वेटेड मीन है, जब हमने किसी चीज़ की मकदार की सुबह फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम जो है वेटेड मीन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लें, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया है, बल्कि हम आपको बता देते हैं कि जो सवाल जैसे हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि करने के नहीं करने, फजूल मतलब क्वेश्चन करके आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, आ जाएँ आगे। अब आगे जो उसने लिखा हुआ है कि कैलकुलेट सिंपल एवरेज एंड वेट एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग, अब ये भी सिंपल वैसे ही आपने करना है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। क्या करना है आपने इसमें, ईजी क्या करना है, देखिए इसमें आपको एटम्स ही हैं और आपको क्या दिया हुआ है वेट दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या, ये आइटम आपके एक्स है और ये आपका डब्ल्यू, सिंपल आपने उसको मल्टीप्लाई करके करना है। अच्छा जो 3.21 क्वेश्चन है इसका ए बी सी पार्ट, ये आप लोगों ने ही करना है क्योंकि इस तरह के सवाल आपको नहीं आते हैं, ठीक है, इसको आप बेशक काट दें, ठीक है। उसके बाद जो ये सवाल आपके पास आया हुआ है कि वाई इक्वल, क्योंकि आपको मेन तैयारी करवाई है कि आप अच्छे मार्क्स भी ले रहे हैं, अब ये जो आपके पास आया हुआ है कि ये 3.22 का एक्स एंड वाई आर लीनियर रिलेटेड बाय द इक्वेशन, ये भी आप रहने दें, ठीक है, शॉर्ट में होगा तो आपको हम करवा देंगे। अवेलेबल वाइज डिटरमाइंड फ्रॉम द वेरिएबल, ये भी आप लोगों ने कोई नहीं करना है, वो इसलिए क्यों नहीं करने कि जब आप बी कॉम में जाएंगे तब उसमें हमें ये चीज़ें करवानी पड़ती है, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर होता है इसमें आप देख, तो ये आपको लॉन्ग में कोई इस टाइप का सवाल नहीं आने, ठीक है। अब देखिए नीचे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है मोड का, तो इंशाल्लाह मोड को ज़्यादा दिन नहीं लगते, उसका आपने सिर्फ एक आपका ग्रुप डाटा का, तो इसका कोई है ही नहीं है, अन ग्रुप डाटा का कोई फार्मूला खास नहीं है इसका, ग्रुप डाटा का एक ही फार्मूला, उससे आपको एक सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मीडियन आ जाएगा, तो ये दो टॉपिक है तो ये भी 2 दिन में आपके कवर हो जाएंगे, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा वाइंड अप, इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स नंबर का चैप्टर हमें स्टार्ट करवाना है, वो भी बहुत ईजी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब करें, और मेन चीज़ क्या है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों भी जो अच्छी बातें पहुँचे वो कुछ पढ़ लें और आगे बढ़ सके, ठीक है। और नीचे दिए बेल आइकन पर जरूर करें ताकि जब भी नई वीडियो आए इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।